गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक नेम इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आप सभी जानते हैं कि वी नीड फूड फॉर एनर्जी ग्रोथ रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज एंड टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड डिसीजेस कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड। अब हमारा जो है नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स में हम पढ़ेंगे द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आर फूड आर न्यूट्रिएंट्स रॉफेज एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस डैट एन ऑर्गेनिज्म नीड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी। द मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स में देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोला जाता है और ये दो तरह के होते हैं शुगर्स एंड स्टार्च। तो शुगर्स में आ जाएगा शुगर्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। दे हैव अ स्वीट टेस्ट दे गिव इंस्टेंट एनर्जी। और इनके मेन सोर्स जो हैं जैसे ग्लूकोज केन शुगर एंड फ्रूट्स सच एज अ बनाना पपाया एंड मैंगो ग्रेप्स। नेक्स्ट हमारा है स्टार्च। तो देखिए स्टार्च जो है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इट इज़ अ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्योर स्टार्च इज अ टेस्टलेस एंड ऑडरलेस वाइट पाउडर। इट प्रोवाइड्स एनर्जी कंपैरेटिवली स्लोअर देन शुगर्स। द मेन सोर्स ऑफ स्टार्च आर व्हीट राइस मेज बाजरा पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में देखिए फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दीज आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। डैट्स वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपल रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस नीड मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट। जो बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको प्रोटीन्स खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। प्रोटीन जो है वो हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है। जो प्रोटीन हमें प्लांट से मिलता है उनमें जैसे बीन्स आ जाते हैं सोया बीन्स किडनी बीन्स नट्स में हमारा आ जाएगा एलमंड्स कैश्यू नट्स एंड ग्राउंड नट्स। और पल्सेस में ग्राम मूंग एंड तुअर दाल और सैरल्स मेज एंड वीट। सम ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स आर लीन मीट जिसमें जैसे फिश एग्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है फैट्स। फैट्स जो होते हैं फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फूड्स रिच इन फैट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। और ये फैट्स भी हमें जो है प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। घी ऑयल बटर मिल्क मीट एक्सेट्रा आर सम कॉमन फूड्स कंटेनिंग फैट। Nuts and some seeds also contain fat. Excess fat is often stored as a body fat. The fat stored in the body causes obesity. Next हमारा है vitamins. जो vitamins are essential nutrients required in small quantities for normal functioning of the body. The food rich in vitamins are called protective foods. Vitamins are of different kinds like A, B, C, D, E and K. Each vitamin occur in a particular kind of food and perform a specific function. हर एक vitamins का जो होता है एक particular function होता है body के अंदर। तो आइए let's study the sources and function of each vitamin given. अभी हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पढ़ लेते हैं जो vitamins जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं एक fat soluble vitamins और एक water soluble vitamins. Fat soluble vitamins में हम देखेंगे कि A, D and के दे आर स्टोर्ड इन अ फैट टिश्यू ऑफ अ ऑर्गन्स लाइक अ लीवर किडनी एंड मसल्स। दीज वाइटमिन रिमेन स्टोर्ड इन अ टिश्यूज एंड आर यूज वेन एवर द बॉडी नीड्स दम। जब हमारी बॉडी को इन वाइटमिन की जरूरत होती है तो वो इसे अपने आप इस्तेमाल कर लेती हैं फॉर एग्जाम्पल इन द मेंटेनेंस ऑफ द स्किन एंड बोन्स। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल वाइटमिन आर वाइटमिन B1 B2 B3 B6 एंड B12 एंड C। These vitamins cannot be prepared or stored in our body. We get these from the different types of food items that we eat. Therefore, it is important that we include food items that are rich in these vitamins in our meals.
नेक्स्ट जो है बेनिफिट्स ऑफ विटामिंस, बेनिफिट्स में देखिए विटामिंस के हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। विटामिंस डी हेल्प्स आर बॉडी टू एब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन आर बोन्स, ये हमारी बोन्स को जो है बहुत मजबूती प्रदान करता है। विटामिन ए जो है वो हमारी हेल्दी आई और स्किन के लिए बहुत जरूरी उपयोगी होता है। विटामिन ई जो है विटामिन ई एंड विटामिन ए आर जो है प्रोटेक्शन ऑफ आर बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस। विटामिन बी कम्प्लेक्स असिस्ट इन प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। बोन्स इन आर बॉडी नीड विटामिन ए डी एंड के टू बी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट जो हमारा है ये है टेबल ऑफ विटामिंस। टेबल ऑफ विटामिंस में देखिए विटामिन ए का जो सोर्स है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, फिश लीवर ऑयल, पपाया, मैंगो। और इसके फंक्शन क्या है, मेंटेन्स हेल्दी आईसाइट, हेल्दी स्किन। विटामिन जो बी है इसके सोर्सेस हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, मीट, मिल्क, होल ग्रेन, सेरल्स। और इसका फंक्शन है हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आल्सो द हार्ट नर्व एंड द मसल्स। विटामिन सी जो है इसके सोर्सेस हैं हमारे आंवला, सीट्रस फ्रूट, टमाटो, गोवा, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन चिली। और इसके फंक्शन है नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ एंड गम्स हेल्दी, इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी, जिसमें इसके सोर्सेस हैं मिल्क, एग योक, फिश लीवर ऑयल, बटर फिश। विटामिन डी इज आल्सो प्रिपेयर्ड इन द बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। फंक्शन इसके हैं एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स में हमारा आ जाता है मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग आर बोन्स स्ट्रॉन्ग, बिल्डिंग मसल्स एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन हाई क्वांटिटी बाय द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम क्लोराइन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सोडियम एंड सल्फर। और ट्रेस मिनरल्स होते हैं कि आर नीडिड बाय द बॉडी इन वेरी लेस अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल आयरन, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयोडीन। द सोर्सेस ऑफ मिनरल्स आर मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, फ्रूट, सीड्स एंड पल्सेस। और इसका भी एक टेबल है, मिनरल्स का टेबल्स भी ध्यान से देखिए। इसमें देखो कैल्शियम के सोर्सेस हैं मिल्क, चीज, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, सेरल्स, मीट। और इसके फंक्शन क्या हैं, एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और फास्फोरस का सोर्सेस हैं मिल्क, चीज, ग्रीन वेजिटेबल्स, बाजरा, नट्स, लीवर, रागी। और इसके फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। नेक्स्ट मिनरल्स हमारा आ जाता है आयोडीन। आयोडीन में आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और इसका फंक्शन है एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्साइन हार्मोन। दिस हार्मोन कंट्रोल फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ आर बॉडी। नेक्स्ट हमारा है आयरन। इसके सोर्सेस हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पेनिच हो गया, जैगरी हो गया हमारा जिसे गुड़ बोला जाता है। और इसका फंक्शन है एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। नेक्स्ट हमारा है रफेज। रफेज जो है द फाइबरस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन आर फूड इज कॉल्ड रफेज। जो हमारे शरीर में पचते नहीं है ना पोषक तत्व, उन्हें मतलब कि रफेज बोला जाता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आर बॉडी, ये हमें कोई इम्पोर्टेंट पोषक तत्व नहीं देते हैं, बल्कि इट एड्स बल्क टू द फूड। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड देयर बाय प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। ये हमारे शरीर को बिना पचे हुए जो भोजन है उसे छुटकारा पाने में हमारी मदद करती हैं। इट कैन एब्जॉर्व अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेल्प्स रिटेन वाटर इन द बॉडी। द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज आर सैलेड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कॉर्न, अनपील्ड एप्पल, हाफ क्रश्ड बीट। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा वाटर। वाटर जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। आर बॉडी नीड्स वाटर टू परफॉर्म मैनी विटल फंक्शंस।
जैसे इनके मतलब कि वाटर जो है, वाटर मेक्स अ मोस्ट पार्ट ऑफ ऑल द फूड आइटम्स डैट वी कंज्यूम। वाटर इज एडिड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फूड वी प्रिपेयर और कुक। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल बॉडी फंक्शंस एंड टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेट एंड यूरिन हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी। ड्रिंकिंग 6-8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली कीप द बॉडी हेल्दी। नेक्स्ट देखिए, वाटर जो है ये हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हमारा 70% जो है हमारे बॉडी में वाटर ही होता है। और इसके वाटर के इंपॉर्टेंट होने के बहुत से कारण होते हैं जो कि मैंने कुछ आपको बता भी दिए हैं और कुछ और हैं, जैसे कि ये हेल्प आवर बॉडी इन अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशंस, जो हमारे शरीर में पोषक तत्व होते हैं उनको पचाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस इनसाइड आवर बॉडी। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू स्वेटिंग। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बैलेंस्ड डाइट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से याद कर लीजिए। द फूड डैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड अ डाइट। जो हम पूरे दिन में खाना खाते हैं उसे डाइट बोला जाता है। आर डाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड आइटम्स मेड फ्रॉम सैर। देखिए ये हमारा फूड पिरामिड है, इसमें देखिए आर डाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड आइटम्स मेड फ्रॉम सैरल्स लाइक अ वीट एंड राइस, पल्सिस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क, मीट, फिश एंड सो ऑन। द डाइट डैट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द असेंशियल न्यूट्रिशंस, रफेज एंड वाटर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। जो बैलेंस्ड डाइट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन्स देन अ ग्रोन अप मैन टू डेवलप बॉडी टिश्यूज नीडेड फॉर ग्रोथ। अ प्रेग्नेंट वूमेन नीड्स मोर प्रोटीन्स इन हर डाइट फॉर बिल्डिंग द बॉडी ऑफ द डेवलपिंग बेबी। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लॉस ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग कुकिंग। देखिए, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। द फूड शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो डैट इट्स न्यूट्रिशन आर नॉट लॉस्ड। इफ कुकिंग इज डन इन एक्सेस ऑफ वाटर एंड द वाटर इज थ्रोन अवे आफ्टर कुकिंग, मैनी वाटर सॉल्युबल विटामिंस एंड मिनरल्स आर लॉस्ड। अगर हम खाना बनाते हैं और उसमें काफ़ी पानी उसको मतलब फेंक देते हैं उसका कुकिंग बनने के बाद जैसे, तो वो हमारे इसमें से काफ़ी विटामिंस और मिनरल जो है लॉस्ट हो जाते हैं। सेकंड हमारा है इफ़ कुकिंग इज़ डन एट अ हाई टेम्परेचर। अगर हम खाने को हाई टेम्परेचर में भी पकाते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिंस जो है डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। थर्ड हमारा है रिपीटेड वॉशिंग ऑफ दाल एंड राइस ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिंस एंड मिनरल्स। जब हम दाल और राइस को बार बार पानी से वॉश करते हैं तो हमारे जो बहुत सारे वाटर सोल्यूबल विटामिंस और मिनरल्स हैं वो भी उनको हम खो देते हैं। फोर्थ हमारा है वॉशिंग ऑफ सम फील्ड, सॉरी यहाँ पे फील्ड वर्ड हो गया है, यहाँ लिखिए पील्ड, PEELED, पील्ड। वॉशिंग ऑफ सम पील्ड एंड कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कॉजेज लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिंस। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में देखिए ध्यान से, वी नीड टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इफ एनी ऑफ द न्यूट्रिशंट इन लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द डाइट इट कॉजेज अ डिसीजेस। अगर हमारी देखो डाइट के बहुत सारे हमारे इसमें प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अगर इसमें से भी हमारा कुछ मिस हो जाए या कोई अधिक मात्रा में हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं जिसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बोला जाता है। द डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी इन द डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। देखिए इसमें ध्यान से, अगर प्रोटीन्स की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हम उससे जो बीमारी होती है उसे क्वाशियोरकोर बोला जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, थिन लिम्स होते हैं, ब्लॉटेड बैली ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ द लीवर, स्लीपलेसनेस हो जाती है, स्लो ग्रोथ होती है। नेक्स्ट हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, इसकी कमी से जो होता है उसे माराजम्स बोला जाता है। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन लीड्स टू अ डिसीज कॉल्ड माराजम्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसकी सिम्टम है कि सीवियर मसल्स वास्टिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ।
नेक्स्ट हमारा मिनरल्स में आ जाएगा तो कैल्शियम। देखिए कैल्शियम की कमी से क्या होते हैं, बोन और टीथ डिके होता है, और इसके सिम्टम क्या है, दांतों में दर्द और अपनी हमारी बोन जो है कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से जो होते वो होते वो गले का होता है, रोग हो जाता है, जिसे गॉइटर के नाम से जाना जाता है। ये जो है एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये गले के पास एक बड़ा सा मोटा सा फोड़े टाइप में हो जाता है, गिल्टी इसे बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। थर्ड हमारा जो है आयरन, आयरन की कमी से अनिमिया, अनिमिया से क्या होता है, वीकनेस हो जाती है, पेलनेस हो जाती है। अब कुछ हमारे हैं विटामिंस, विटामिंस ए की कमी से होता है लॉस ऑफ विजन एंड स्किन प्रॉब्लम्स, और इसके सिम्टम है विजन बिकम्स पुअर इन डार्कनेस समटाइम्स लीडिंग टू नाइट ब्लाइंडनेस एंड ड्राई स्किन। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी का रोग हो जाता है, इसमें क्या होता है कि वीक मसल्स हो जाते हैं, वेरी लिटिल एनर्जी एंड पुअर ग्रोथ इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी, बी टू की कमी से हमारी जो बीमारी है ये हो जाती है एरिबोल्फ्लेविनोसिस एंड फोटोफोबिया। इसमें क्या होता है, क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं, जैसे होंठ फटने शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड टंग, माउथ अल्सर्स हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी थ्री की कमी से हो जाता है पेलग्रा, जिसमें क्या हो जाता है, ड्राइंग ऑफ स्किन हो जाती है, इरिटेशन सी होती है। विटामिन बी ट्वेल्व से भी एनीमिया की शिकायत रहती है, और इसमें क्या होता है, लैक ऑफ एपेटाइट, पेल स्किन, लो स्टैमिना। विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है स्कर्बी, जिसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील, जो भी चोट लगती है वो बड़ी जल्दी हील नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा विटामिन डी, मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन की कमी हो जाती है, रिकेट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड डिफॉर्म्ड। और जो नेक्स्ट है इसमें ऑस्टियोमलेकिया इन अडल्ट, ये बड़ों में होती है, जिसमें बोन पेन एंड प्रोन टू फ्रैक्चर। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, इसकी मतलब बीमारी है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इसमें क्या, इसके सिम्टम है कि अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। अब देखिए इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट पिक्चर में जो लेडी है इसके गले में देखो प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, गॉइटर। नेक्स्ट जो है इस बच्चे के टीथ को देखिए, इसको ये स्कर्वी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। थर्ड जो बच्चा है इसको प्रॉब्लम है मराजमस, जिसमें देखिए इसकी टांगें साफ दिख रही हैं कि कमज़ोर हो रखी हैं। और रिकेट्स की प्रॉब्लम जो है वो लेग में आती है, जिसमें टांगें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है देखिए, ये जो चाइल्ड है ये इसको प्रॉब्लम जो है क्वाशियोरकर, इसकी जो प्रॉब्लम है इसके सिम्टम है स्टंटेड ग्रोथ, स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली, हेयर बिकम्स रेडिश, बॉडी देखो स्वेल्स अप ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, लार्ज पोट लाइक अ बेली, लिम्स स्पेशली लेग्स बिकम थिन एंड बोनी। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड, इसमें हमारा है कि ओवर ईटिंग ऑफ फैट रिच फूड्स लीड्स टू एन ओवर वेट कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम हद से ज़्यादा खाना खा लें, ओवर ईट कर लें, तो उससे मोटापा बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा है ओबेस पीपल मे सफ़र फ्रॉम डिजीज लाइक हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। जो लोग बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं और हद से ज़्यादा विटामिन वगैरह ये चीज़ें ले लें, तो उनको भी बहुत ये बीमारी हो जाती है। और उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके अंदर, हाइपरटेंशन, उनको डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट ये कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe it.